जब मैं बीमार होती हूँ और बहुत ज़्यादा और मैं कुछ बना नहीं पाती, सुबह उठ के आटा नहीं गूंथ पाती या पराठे नहीं बना पाती क्योंकि मैं रोटी के बगैर रह नहीं सकती, तो मैं क्या करती हूँ, ब्रेड खा खा के थक जाती हूँ। रात के टाइम में जो रोटी मंगवाती हूँ बाहर से, यानी कि मैंने खानी होती है, दो रोटी खानी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, पाँच रोटियाँ रात को पहले मंगवा लेती होती हूँ। पाँच रोटियाँ इसलिए मंगवा लेती हूँ, रात को जो दो खानी होती है वो तो मैं खा लेती हूँ, फिर जो तीन बाकी की होती है ना उनको मैं क्या करती हूँ, सुबह के टाइम, अब जैसे कि मेरे हाथ पे ड्रिप लगी हुई है, निप्रोला लगा हुआ है, उसके बाद मुसलसल ड्रिप्स लगने की वजह से मेरे हाथ स्वेल हुए हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, फिर ये रात की जो रोटी होती है ना उसको इस तरह पानी में डिप कर देती हूँ थोड़ी देर, दो तीन मिनट जितनी देर में ऊपर वाली रोटी बन रही है, तो जैसे ही ये पानी में डिप होती है थोड़ी नरम हो जाती है, फिर उसके बाद मैं इसको तवे पर रख देती हूँ, ठीक है। और हम इसको तो कहते हैं पानी वाली रोटी, अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, हम तो देसी लोग हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं, माँ बाप ने हमारे सामने खाया करते थे। और दूसरा इसकी चूरी भी बनती है, चूरी हमने नानी के हाथ से खाई हुई है रात के रोटी की, वो बारीक बारीक कुतर देती थी, फिर हम उसको चाय में डुबो के फिर खाते होते थे। खैर वो कल मैं खाऊँगी फिर मैं बताऊँगी कैसे। चले मैंने ये रोटी निकाल के पानी से यहाँ पे इस तरह रख दी है, और इसमें थोड़ा सा अभी तो हल्का सा मैंने घी डाला है, और ये पानी थोड़ा सा इसके अंदर, अवॉइड मेरे किचन की हालत, क्योंकि जब बंदा बीमार होता है तो बस फिर इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें पड़ी होती हैं किचन में। खैर इस तरह मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, अब ये पानी को थोड़ा सा जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये थोड़ी सी नरम होगी, पानी इतना डालें कि तवे से बाहर ना निकले बस, क्योंकि ये बहुत उछलता है, ठीक है। और ये दो दफ़ा पानी डाल लें, अब मैंने एक दफ़ा उसको सीधा करके कर दिया क्योंकि सीधे तरफ पापड़ी होती है और ये क्या नाम छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं तो वो फिर पक जाते हैं, तो वो बड़े क्रिस्पी और बड़े अच्छे लगते हैं, खाने में आसान होते हैं। अब ये पानी मैंने ज़्यादा डाला इसमें ताकि ये थोड़ी ज़्यादा नरम हो, अब मैं इसको पलटूंगी क्योंकि मुझे पीछे वाला हिस्सा जो इसका है रोटी का उसको भी थोड़ा सा नरम करना है, और अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालूँगी, मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग अगर घी इस्तेमाल करते हैं डालडा का तो आप वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं तो डालडा का ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। खैर ये मैंने अपने लिहाज से, क्योंकि ज़्यादा डालूँगी ना तो ऑयली हो जाएगी, और मैं आजकल मेडिसिन खा रही हूँ थोड़ी सी हैवी किस्म की, उस वजह से मुझे ऑयली चीज़ें थोड़ी सी मना की हुई हैं, तो ये अभी थोड़ी सी तैयार हो जाएगी, जैसे ही ये तैयार होगी उसको मैं उठा के वापस इसमें रख दूँगी। ये तीन रोटियां फिर ये इतनी सी बन जाती है पकने के बाद, तो बाकी आप इसको लस्सी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपना जो नाश्ता है वो किस चीज़ के साथ करेंगे। खैर चलिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।